ओम श्री परमात्मने नमः। तो इस प्रकार निर्गुण उपासना और उसके फल का प्रतिपादन करने के पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण जी देह अभिमानियों के लिए अव्यक्त गति की प्राप्ति को कठिन बतलाते हुए कहते हैं कि क्लेशो अधिकतरस्ते साम अव्यक्ता सक्ता चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखमा अदेहवाब्धि वाप्यते। यानी उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। यानी ये आप लोग भी अनुभव करो। अभिमान के जब दे अभिमान रही तो ये भक्तन में समभाव हो पाई नहीं, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, माने उन्हें सह के पड़ी, उन्हें नहीं अभिमान बा, वो अंदर से कोनो भी स्थिति आई तो वो बिगड़ी तो के बर्दाश्त कर दे तब मैंने वो दिखा पाई बे, तो वो जबरदस्ती नहीं हो ना। तो तेसाम पद के सहित अव्यक्ता सक्त चेत साम पद किनका वाचक है और उनको परिश्रम अधिक है, इस कथन का क्या भाव है? तो पूर्व श्लोकों में जिन निर्गुण उपासकों का वर्णन है, जिनका मन निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में आसक्त है, यह जो संसार में आसक्ति रखे है, आसक्ति माने लगा तो कहाँ लगे के बा, कब लगी? जब यहां से पूरा छूट जाई तो आ छूट गा मर्दवा छोड़ है, मैं कहा मेहनत बा, कहा बुद्धिया फसल हो राम सिंह भाई बतावे चाहिए ने। एक तरफ कहता फसा नहीं बा, दूसरे तरफ छूटा नहीं बा। गणेश जी तू हसत है बतावे बात ही ऐसे ही जो ने विषयी लोग हो ने वो हर बतिया में हाँ कह रहे थोड़ा बहुत, थोड़ा भी बहुत भी उनका बतिया कुल मिलावटी रहला, कभी फंसा नहीं बा लेकिन छूटा नहीं बा, तो वास्तव में बड़ा रहस्य थे मनिया बा। और जो स्पष्ट बाड़ी बा ओके कुल कही, अरे यार बड़ा रहस्य वाली बात बतावा था नहीं, ये कथा संपन्न हुई तो एक बारे में चर्चा करो।
कि ऐसा काहे होता। देखो स्पष्ट स्पष्ट बात है कि तुम के लगा था कि फसा फसा हुआ वाला बात करो था है ठीक में, जैसे उत्तर समझ ले है कि बात लगा था तो कच्चा बाया है हैं, और बात नहीं लगा था तब वो कच्चा बाया है। तो समझाएं कैसे कैसे ठीक है। तो जिनका मन निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही आसक्त है, उनका वाचक यहाँ तेषाम के सहित अव्यक्ता शक्त चेतसाम पद है, उनको परिश्रम अधिक है। यह कहकर भगवान यह भाव दिखलाए हैं कि निर्गुण ब्रह्म का तत्व बड़ा ही गहन है। निर्गुण ब्रह्म का तत्व बड़ा ही गहन है, गहन मतलब समझत है बारीक। सगुण वाला कहाँ गहन बा, अरे भगवान के देखा है बहन कि पिता के आज्ञा माने के चाहिए, चाहे कुछ हो जाए जंगल हो जाए तब वो खुशी खुशी जाए चाहिए, तो ऐसे भगवान दिखाए बा नहीं से चले गए बा, तो इनमें कौन जौन चरित्र दिखाए बार सही चले के बा, तो इनमें तो कोनो ज्यादा चिंता नहीं बा, लेकिन निर्गुण ब्रह्म का तत्व बड़ा गहन है। जिस आप समझिए देखो कहता समझिए तो और देखो था एक तो गहन बा और ऊपर से और देखबे तो समझ में आई। जिसकी बुद्धि शुद्ध, शुद्ध माने विकार रहित, विकार स्थिर और सूक्ष्म होती है, जिसका शरीर में अभिमान नहीं होता, वही निरंकार ब्रह्म के तत्व को समझ सकता है। साधारण मनुष्यों की समझ में यह नहीं आता, जो सुनता तो है लेकिन इधर उधर देखता है उसको समझ में गुस्सात नहीं है भान है गद नहीं गुरु गुस्सात रहे, लेकिन अब तू पूछ देना तो ठंडा होगा ठीक ना, उसको समझ में नहीं आता। तो निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझने के लिए बुद्धि शुद्ध हो, चित स्थिर हो और बारीकी समझने वाली हो और शरीर में अभिमान न हो ठीक ना। इसलिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना का साधन आरंभ काल में अधिक परिश्रम वाला होता है। तो देखो बुद्धि शुद्ध होगा के पहले देह बहन, जैसे आप लोग भी देखो पवित्र भाव से समझौता है तब न समझ में आल कि भाव गुरु जी खाली हमरे कल्याण बदे कहते हैं, अगर शुद्ध बुद्धि न हो तो देखो लोग भागी नहीं जाता है। देह में अभिमान रहते निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझ में आना बहुत कठिन है, जाने
शरीर में अभिमान रहते निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझ में आना बहुत कठिन है। इसलिए जिनका शरीर में अभिमान है उनको वैसी स्थिति बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है। जाने तो साफ साफ बात यह है कि सगुण निराकार की उपासना को ही सुगम बतलाया गया नहीं। साकार ब्रह्म की उपासना, परमेश्वर की उपासना को सुगम यानी आसान, ठीक ना। ठीक, तो छठे अध्याय के 24वें से 27वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का प्रकार बतलाकर 28वें श्लोक में उस प्रकार का साधन करते करते सुख पूर्वक परमात्मा प्राप्ति रूप अत्यंतानंद का लाभ होना बतलाया गया है। उसकी संगति कैसे बैठेगी तो यहां समझिएगा जरा कि जिनके समस्त पाप रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, जिनके समस्त पाप रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, जो ब्रह्मभूत हो गया है अर्थात जो ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो गया है, ऐसे पुरुष के लिए है, देह अभिमानियों के लिए नहीं है। जब तक शरीर के मनबा की शरीर हम है तब तक कुछो समझ में आवे वाला नहीं बा। अतः जो ब्रह्मभूत हो गया है उसको सुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बतलाना उचित है। नहीं, जे सबके अंदर भगवान है के देखे लगा तो ओकरे बदले तो साक्षात भगवान ओकरे सामने बाएं। नहीं एक प्रश्न आता है कि क्या निर्गुण उपासकों को ही साधन काल में अधिक परिश्रम होता है, सगुण उपासकों को नहीं होता? को गणेश जी है हुआ कि चाहिए थोड़े बात समझ में कुछ आता कि नहीं। जे भगवान को उपासना कराता राम जी के कृष्ण जी के ओहू के परिश्रम हो ओके न हो परिश्रम से हो नारायण सबकर बुद्धि फेल समझे नहीं बात ठीक से। सगुण उपासकों को परिश्रम होता ही नहीं। अबे महाराज हमने से तो हो नहीं पावा था तो हमने तो यह समझा था कि परिश्रम होते क्योंकि क्यों ऐसा क्यों होता है। एक तो सगुण की उपासना सुगम है, दूसरे वे भगवान पर ही निर्भर रहते हैं,
ये बात समझो, भगवान पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए स्वयं भगवान उनकी सब प्रकार से सहायता करते हैं। जब भगवान लगे सहायता करे तब का परिश्रम रह जाए। तो ऐसी अवस्था में उनको परिश्रम कैसे हो, ध्यान दे। पहली बात तब इस शरण में आई बे तब ये बात समझ में आई। परिश्रम तो लगता है बा नहीं? जब शरण में आ गई ले, जैसे भगवान के पता बा कि न का चाहिए का न चाहिए, ठीक न, तो वैसे ही वो अनुभव का बात बा, जाने ये अनुभव का बात बा कि बहुत चीज अचानक समझ में आला कि एक आवश्यकता बा, लेकिन वो नहीं मिले। और जौन जो है कि सुविधाजनक चीज बा ये अवस्था के स्थिर रखे बदे सगुण निराकार के, उतना बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाता। भगवान हर प्रकार से साथे बायन। तो इस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से देह अभिमानियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति कठिन बतलाने के उपरांत अब दो श्लोकों द्वारा सगुण परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर की प्राप्ति शीघ्र और अनायास होने की बात भगवान कहते जने। निर्गुण निराकार कठिन बा और उसमें भगवान का प्राप्ति नहीं बा, मिल जाइबे दर्शन न हुई, और इनमें सुगम भी बा परिश्रमो नहीं बा और दर्शनों हो जाई नहीं। अनन्य भक्तों को ही भगवान का दर्शन होता है, सरल भी बा जने, परिश्रमो नहीं लगाता, दर्शनों हो जाता, भगवान से मिलू लेबे तब वो सरल में नहीं आ पावता है। बेवकूफी ने बा भाई, भाई हाँ क्या करबे ममता लगा के, जैसे लगेबे वो कौ दिन रही, एक दिन मेहरारू लड़का कुल छोड़ दी है या नहीं? एक दिन मेहरारू लड़का कुल साथ, जैसे जनकधारी का कुल छोड़ी रहे ने जाना ले ने, एक एक कभी गाना काने में आ रहा या नहीं? आसमान में उड़ने वाले नहीं, कुल जालन दुबई आसमान में उड़ के, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा नहीं जाने? तेरा आखिर खून ही अपना और तुझको आग लगाएगा नहीं। सबका लड़कों ने दाग दे ले नहीं भाई, और आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल, और यही शरीरिया तो अभिमान कर बे
ने वो तो बढ़िया बा कि कम से कम जौन भगवान के नियम नीति बा मरे के बाद भी हम लोग आग से खेलीला नहीं और यहाँ कुल मरे के बाद गाड़ रही है जमीनी में कुल किरौना खाई ये ने भाव के खाली भाव के बैठावे बदे कहते हैं ये नहीं कहते हैं कि भागवत गीता में ही गाना कहाँ से आगा समझे बदे शरीरी के ऊपर अभिमान मत करे जने शरीरिया साधन हो बड़े आराम से तो सुनो अब शरण में होबे निषाद राज भैया एकरे बदे पहले मन भगवान शंकर जी के देवे के पड़ी राम सिंह भाई आज दे देवे खाली हौस के कहत है एक मतलब कि देवे वाला नहीं है खाली मुंह पर कहत है इन्हे समझ में आवाला जाने तो भगवान कहते हैं ए तू भगवान कहते हैं ए तू सर्वाणी कर्माणी अमय संन्यास्य मत परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं अतेशामय हम समुद्धरता अमृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ अमैया वेशित चेतसाम हे अर्जुन उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ शीघ्र तब बहुत सरल में न हो गया जाने तो ए तू का क्या मतलब है समझा जाए तू पद यहां निर्गुण उपासकों की अपेक्षा सगुण उपासकों की विलक्षणता दिखलाने के लिए है ना भगवान के परायण होना क्या है बहुत चीज के ऊपर सबने आश्रित भाई है भगवान के ऊपर आश्रित हुआ में सबका नानी मर जाता है जे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड चला हुआ था उनके शरण में नहीं कुछ सुविधा बागा देखिए
भगवान पर निर्भर होकर भांति भांति के दुखों की प्राप्ति होने पर भी भक्त प्रहलाद की भांति निर्भय और निर्विकार रहना, उन दुखों को भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सुख रूप ही समझना तथा भगवान को ही परम प्रेमी परम गति परम सुहृद और सब प्रकार से शरण लेने योग्य समझकर अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना, अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना, यही भगवान के परायण होना है, यही भगवान के परायण होना है। फिर संपूर्ण कर्मों को भगवान के समर्पण करना क्या है? तो कर्मों के करने में अपने को पराधीन समझकर भगवान की आज्ञा और संकेत के अनुसार कठपुतली की भांति समस्त कर्म करते रहना, उन कर्मों में ना तो ममता हो और ना ही आसक्ति हो, उन कर्मों में और न उनके फल से किसी प्रकार का संबंध रखना, शास्त्रानुकूल प्रत्येक क्रिया में ऐसा ही भाव रखना कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरी कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। आत्मा न रह कौन शरीर करी। भगवान ही अपने इच्छा अनुसार मुझसे समस्त कर्म करवा रहे हैं। यही समस्त कर्मों का भगवान के समर्पण करना है। कर्तृत्व अभिमान का कहीं जगह नहीं बा। फिर अनन्य भक्ति योग क्या है और उसके द्वारा भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना क्या है? जाना तो एक परमेश्वर के सिवा सुना था, मेरा कोई नहीं है। तो और कोई बात निषाद राज जी, एक परमेश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है, वे ही मेरे सर्वस्व है, वे ही मेरे सर्वस्व मतलब समझत है का सब कुछ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् माने
हाँ ऐसे ही बात। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव बंधुष्य सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। तुझे जानल है, मनता नहीं बेटा। जब सब कुछ भगवान है तो बेटा कहाँ से आ गए? ये रे, अगर मनते तो कोई से संबंध न रखते, तो वे ही मेरे सर्वस्व है, ऐसा समझ कर जो भगवान में स्वार्थ रहित और अत्यंत श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम करना है, जिस प्रेम में स्वार्थ अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष नहीं है, जो सर्वथा पूर्ण और अटल है, जिसका किंचित अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु में नहीं है, और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असह्य हो जाती है, उस अनन्य प्रेम को अनन्य भक्ति योग कहते हैं। और ऐसे भक्ति योग द्वारा निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए जो उनके गुण, गुण यानी दिव्य गुण, सतो रजो तमो वाला नहीं, प्रभाव और लीलाओं का श्रवण कीर्तन एवं उनके नामों का उच्चारण और जप आदि करना है, यही अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करना है। समझता है? आज भगवान के शरण में हो जाइए सच्चो वाला, जने मनवे से होवा के पड़ा ला, कोई के बतावे की जरूरत नहीं बा। बाकी सबसे व्यवहार करो, बातचीत में ऐसा करो दिक्कत, लेकिन उनमें आसक्ति ममता तो समझ में आ जाई ना, कि आसक्ति ममता बाकी नहीं है, आ जाई ताजू से न रही जने। अब मुस्कुरा के नहीं कहता है, कहन अच्छा मुस्कुरा के कहे तो कच्चा लगत रहा, अब बिना मुस्कुराए हा कहो। ई देखे भैया, ई खुद के पता न हो जाई कि आखिर के खाली भगवान पर आश्रित बुद्धि बाकी नहीं, तो तन्नी सा बुद्धि स्थिर कब पता लग जाई। ठीक, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे अनन्य भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला जने। लेकिन ऐसा जे रही वो कर जे कही, चाहे वो मुस्कुरा के कहे चाहे बिना मुस्कुराए, खाली कही लेकिन कोरी ना तो ओकर नहीं, जे कोरी मात्र वो ही कह भाई। समझे बदे नहीं निषाद राज भाई,
प्याज लगाओ छूट जाई कि नहीं। देखे यहाँ मिला जुला बात मत करे, छूटले बा छूट गा बा, दूरों में बड़ा अंतर बा। खैर अब जब तक ना छूटी तब तक जौन परिश्रम करेबे करेबे तो कराओ अब, ठीक न। ठीक ते मृत्यु रूप संसार सागर क्या है, तो इस संसार में सभी कुछ मृत्युमय है। सूरज चंद्रमा धरती सब कुछ मृत्युमय है। इसमें पैदा होने वाली एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मृत्यु के थपेड़ों से बचती हो। और जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही इस अपार संसार सागर में अनवरत जन्म मृत्यु रूपी तरंगे उठा करती हैं। समुद्र की लहरों की गणना चाहे हो जाए, जाना वैसे संभव नहीं बा समुद्र के लहर के गणना करना, लेकिन जब तक जीव भगवान के शरण में नहीं जाता, यानी जब तक परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीव को कितनी बार मरना पड़ेगा, कितनी बार जन्मना पड़ेगा, इसकी गणना नहीं हो सकती। बोले यही चक्र में रह गए मनवा, बड़ा कष्टकारी बन है। इसलिए इसको मृत्यु रूप संसार सागर कहते हैं। समुद्र देखे है, समुद्र के लहर चाहे तो गिन ले, लेकिन जन्म मृत्यु की गणना संभव, कल्पों कल्पों से जीव यही में खाली मरता पैदा होता, कभी केचुआ बन के तो मछली खा जाता, तो कभी घड़ियाल बन जाता, तो कभी कुकुर, तो कभी सुअर बन के बिस्था खाता। इतना बढ़िया मनई के शरीर बा भाई, ऐसे कुल बतिया समझ में आवता भगवान में मन रख दे ऐसे खाली हो जाए। तो गणेश जी आज खाली हो जाए, मन बुद्धि भगवान के बाद जो काम होता उनमें कोनो आसक्ति नहीं रखे के बाद। तो इस प्रकार मन बुद्धि को भगवान में लगाकर जो भक्त नित्य एवं निरंतर भगवान की उपासना करते हैं, उनको भगवान तत्काल ही जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए छुड़ाकर यही अपनी प्राप्ति करा देते हैं जीते जीते। और जो भगवान की प्राप्ति कर लेगा उसका स्वरूप ऐसे ही हो जाएगा, नहीं? अनन्य रही तो कहते तुरंत करा दी है, या मरने के बाद अपने परम धाम में ले जाते हैं।
निषाद राज जी आराम से बैठा, कैसे बैठा हुआ है? यहाँ तक कि केवट जनरल ने निषाद राज जी किसी को नौका में बैठाकर नदी से पार कर देता है, वैसे ही भक्ति रूपी नौका पर स्थित भक्त के लिए भगवान स्वयं केवट बनकर उसकी समस्त कठिनाइयों और विपत्तियों को दूर करके बहुत शीघ्र उसे भीषण संसार समुद्र के उस पार अपने परम धाम में ले जाते हैं। लेकिन जे भक्ति के नैया पे बैठी ओके, जे बैठबे न करी ओके नहीं, वो अपने से पौड़े जाई अगवा पूड़े जाई नहीं। यही भगवान का अपने ऊपर युक्त भक्त को मृत्यु रूप संसार से पार कर देना है, जाना तो शरण में पहुँचबे तब न, गंगा जी के किनारे पहुँचबे तब न, नैया पे बैठबे तो गंगा जी के किनारे पहुँचना का बा भगवान के शरण में ले जाना मन को, फिर भक्ति के नाव पे बैठ जा, भगवान खुद अपने धाम लेके चला जाइए। तो इस प्रकार पूर्व श्लोक में निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता का प्रतिपादन किया गया, इसलिए अब भगवान कृष्ण जी महाराज अर्जुन जी को उसी प्रकार मन बुद्धि लगाकर सगुण उपासना करने के लिए आज्ञा देते हैं। का लगाकर? मन और बुद्धि के देवे के बा शंकर जी के, शंकर जी जोन कहिए वह होई, जे धर्म पे चली ओकर साथे रही, जे अधर्म पे न चली उसे कुछो लेना देना नहीं बा। ये ना भाई कि कोई कपट करी ओ के मिला ले बे। जाने तो सबसे पहले आप लोग जो है सोच कर्म और बाणी तीनों से एक बनो, और तीनों से एक तबे बन सकल है जब खाली भगवान के चित्त में रखबे और निष्काम सेवा देबे, तबे स्वार्थ रही तो संभव नहीं बा। तो आज इसी बाड़ी के साथ बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।